क्लास ट्वेल्थ एनसीआरटी की एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है अ बैग कंसिस्ट ऑफ टेन बॉल्स विद जीरो जीरो टू नाइन इफ बॉल्स इफ फोर बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली अगर वहां से क्या किया जाए कि फोर बॉल्स को निकाल दिया जाए आपके पास दस गेंदे हैं ठीक है उसमें नंबर लिखे हैं जीरो से लेकर के नाइन तक विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट जीरो उसमें ये बताओ कि जीरो किस नंबर पे है ठीक है हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी किसकी जीरो की और एन कितना है टेन है तो एन तो सॉरी एन यहां पर आपके पास कितना है देखो टोटल तो बोल्स है आ, टेन लेकिन एन फोर निकालने हैं अपने बोल्स तो यहां से आ जाएगा फोर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा ठीक है तो देखो एन तो आ गया आपके पास कितना फोर और सक्सेस कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक निकालना है ठीक है तो वो कितना आ जाएगा यहां से वन अपॉन टोटल कितने टेन और क्यू कितना आ जाएगा वन माइनस वन माइनस वन अपॉन टेन कितना आ गया? 9 10. ये आ कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ले लो ठीक है एक्स इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो फोर सी जीरो अब एन कितना फोर है? है तो फोर सी जीरो आ जाएगा और यहां पर कितना आएगा देखो वन अपॉन टेन की पावर में जीरो इंटू नाइन टेन की पावर में वन सॉरी uh, फोर ठीक है फोर आएगा यहां से फोर सी जीरो की वैल्यू तो हो गई वन इन टू यह आ गया वन इन टू नाइन अपोन टेन की पावर फोर और आप इस क्वेश्चन को इतना भी रख सकते हो ठीक है नाइन अपोन टेन लिखते हो और इसकी पावर में फोर आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को सेवंथ क्वेश्चन है इन एन एग्जामिनेशन ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क यानी कि बीस क्वेश्चन थे उसमें से ट्रू और फॉल्स पूछा गया सपोज अ स्टूडेंट टो से फेयर क्वन टू डिटरमाइन हिज आंसर टू ईच क्वेश्चन उसने क्या किया एक सिक्के को छाला और वहां से जो उसका टेल आया होगा उसमें से उसने आंसर को दे दिया इफ द क्वाइन फॉल्स हेड ही आंसर ट्रू अगर हेड आए तो वो कहेगा कि मेरा आंसर ट्रू है इफ इट फॉल टेल ही आंसर फेल अगर टेल आ जाए तो वो कहेगा कि उसका आंसर फेल है फॉल्स uh, है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट ट्वेल्व क्वेश्चन करेक्टली उसने 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट दिए 12, ठीक है 12 क्वेश्चन करेक्ट दिए तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट ट्वेल्व क्वेश्चन ठीक है तो ट्वेल्व क्वेश्चन का मतलब क्या है हम चलेंगे ट्वेल्व से थर्टीन फिर फोर्टीन फिर फिफ्टीन अप टू सो ऑन ट्वेंटी तक हम इसकी प्रोबेबिलिटी लेके जाएंगे देखो एन की वैल्यू तो लग गई पता कि ट्वेंटी टोटल क्वेश्चन है दूसरा अब हेड और टेल यानी कि क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा सक्सेस निकाल लेंगे वहां से और नॉट सक्सेस भी वहां से निकल जाएगा तो देखो एन की वैल्यू तो आपके पास आपको लग गई पता कि ट्वेंटी है अब सक्सेस निकाल लो अब हेड और टेल होगा ठीक है हेड और टेल आएगा यानी कि दो आउटकम्स है यहां पर हेड आएगा तो कितना हेड जो है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है तो वन अपन टू और क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा इसको भी वन अपंट टू ले लेंगे ठीक है क्योंकि नॉट सक्सेस हमारे पास वन अंट टू होगा अब बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू की ठीक है यहां समझो इस बात को क्वेश्चन में क्या गया, कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट लीस्ट ट्वेल्व क्वेश्चन करेक्टली ठीक है ट्वेल्व क्वेश्चन करेक्टली तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे टोटल क्वेश्चन है ट्वेंटी और यहां पर आ गया सी ट्वेल्व और यहां आ जाएगा वन पॉइंट ट्वेल्व इसकी पावर में ट्वेल्व यहां आ जाएगा वन पॉइंट टू और पावर में ट्वेंटी ठीक है अब आप इसको समझ सकते हो हम क्या लिख देंगे देखो ये ट्वेंटी सी ट्वेल्व इस तरह से लिख दो ठीक है और वन बाय टू वन बाय टू यहां पर बेस सेम है पावर एड हो जाएंगी ठीक है बेस सेम है तो पावर एड कर दी बेस हमारा सेम रहा और पावर एड हो जाएंगी देखो यहां पर कितना 12 N -R, 8 आएगा ट्वेल्व और एन माइनस आर एट आएगा ठीक है कितना आएगा एट आएगा यहां तो ये यह बन जाएगा आपके पास वन अपन टू की पावर ट्वेंटी अब उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थर्टीन निकाल लो थर्टीन कितना आ जाएगा ट्वेंटी सी थर्टीन ट्वेंटी कम्बिनेशन थर्टीन थ्री वन अपू और इसकी पावर में आ जाएगा यहां पे थर्टीन यहां आ जाएगा वन अपॉन टू की पावर सेवन तो यहां भी लिख लो ट्वेंटी कॉम्बिनेशन थर्टीन विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर्टीन निकाल लो तो एक्स इक्वल टू फोर्टीन कितना आएगा ट्वेंटी कॉम्बिनेशन फोर्टीन वन अपॉन टू की पावर फोर्टीन और वन अपॉन टू की पावर यहां पर सिक्स तो कितना हो गया ट्वेंटी कम्बिनेशन फोर्टीन और यहां आ जाएगा वन अपॉइंट टू की पावर में ट्वेंटी ठीक है अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फिफ्टीन निकालेंगे तो फिफ्टीन कितना आ जाएगा ट्वेंटी कम्बिनेशन फिफ्टीन वन अपॉइंट टू और इसकी पावर में आ जाएगा फिफ्टीन यहां आ जाएगा वन अपॉइंट टू की पावर फाइव कितना आ गया ट्वेंटी कम्बिनेशन फिफ्टीन विच इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू की पावर ट्वेंटी यहां पर सारा सेम चलता रहेगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्सटीन इक्वल टू ट्वेंटी कम्बिनेशन सिक्सटीन निकाल लो वन अपॉइंट टू रखेंगे यहां पर कितना आ जाएगा सिक्सटीन वन अपॉइंट टू यहां पर कितना जाएगा फोर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी कम्बिनेशन सिक्सटीन और वन अपॉइंट टू की पावर ट्वेंटी फिर निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू सेवनटीन की ट्वेंटी कम्बिनेशन सेवनटीन ठीक है वन अपॉइंट टू की पावर सेवनटीन वन अपॉइंट टू की पावर थ्री विच इज इक्वल टू ट्वेंटी सी सेवनटीन और ये आ गया वन अपॉइंट टू की पावर ट्वेंटी कितना क्लियर है अब यहां आ जाओ p की पावर x इक्वल टू एटीन निकालेंगे तो 18 कितना आएगा 20 कम्बिनेशन 18 वन अपॉन टू की पार 18 इंटू वन अपॉन टू की पार टू 20 कम्बिनेशन 18 विच इज इक्वल टू वन अपॉन टू की पार 20 ठीक है उसी तरह से अब x 19 के लिए निकाल लेंगे तो 19 के लिए कितना आएगा 20 कम्बिनेशन 19 वन अपॉइंट टू की पावर 19 इंटू वन टू की पावर 1 विच इज इक्वल टू ट्वेंटी कम्बिनेशन 19 और ये आ गया वन अपॉइंट टू की पावर 20 ठीक है और लास्ट बचता है हमारे पास क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कितना है ट्वेंटी क्वेश्चन है तो ट्वेंटी के लिए निकाल लो ट्वेंटी सी ट्वेंटी विच इज इक्वल टू वन अपू की पार ट्वेंटी इंटू वन अपॉइंट टू की पार जीरो अब यहां पर करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी कॉम्बिनेशन ट्वेंटी विच इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू की पावर ट्वेंटी ठीक है ये सारी आइटम्स हमारे पास आ गई अब हम क्या करेंगे यहां पर देखो अब यहां से आप देख सकते हो कि वन अपॉइंट टू की पावर ट्वेंटी जो है सब में क्या है कॉमन है तो यहां से वन अपॉइंट upon... जो 20 है वन अपॉइंट ट्वेंटी की पावर सॉरी वन अपॉइंट टू की पावर वन अपॉइंट टू की पावर 20 इसको आप कॉमन निकाल लो और अंदर कितना रह जाएगा आपके पास ब्रैकेट में ये जितनी वैल्यूज बच गई ठीक है यानी कि ट्वेंटी सी ट्वेल्व से लेकर के अप टू सो so ऑन यहां प्लस लगा लें अप टू सो ऑन ट्वेंटी कंबिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी सी ट्वेंटी तक आप जाओगे ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एट को क्वेश्चन नंबर एट है सपोज एक्स हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी सिक्स कोमा वन अपॉइंट टू यहां पर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देके रखी है सिक्स कोमा वन अपॉइट टू ये जो सिक्स है ये आपके पास क्या है एन की वैल्यू है ठीक है शो दैट एक्स इक्वल टू थ्री इज द मोस्ट लाइकली आउटकम मोस्ट लाइकली का मतलब क्या हम कहां तक जाएंगे थ्री तक जाएंगे यानी कि वहां जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है या फिर थ्री भी हो सकता है यहां पर आपके पास हिंट दी हुई है द मैक्सिमम एमंग ऑल पी ऑफ एक्स एक्स आईक्डो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है यहां पर सिक्स क्या है एन है और सक्सेस के लिए हम के, कितना ले लेंगे वन अपॉइंट टू और दूसरे के लिए भी कितना ले लेंगे वन अपॉइंट टू क्योंकि वन माइनस वन अपॉइंट टू करेंगे तो वही चीज आ जाएगी ठीक है देखो एन की वैल्यू तो यहां है सिक्स और सक्सेस कितना है आपके पास वन अपॉइंट टू है और नॉट सक्सेस कितना है वो भी वन अपॉइंट टू है इतना तो आपको क्लियर है अब निकाल देंगे यहां पर कहा गया कि शो दैट द एक्स इक्वल टू थ्री इज द मोस्ट लाइकली आउटकम मोस्ट लाइकली के लिए क्या करेंगे पहले तो प्रोबेबिलिटी किस निकालेंगे जीरो की तो जीरो के लिए क्या हो जाएगा सिक्स आपके पास टोटल है कॉम्बिनेशन जीरो वन बाय टू की पार जीरो एंड वन बाय टू की पार सिक्स अब सिक्स का मतलब क्या हो गया यहां पर आ जाएगा आपके पास वन इंटू ये भी वन इंटू वन अपॉइंट टू की पावर में लिख देंगे हम सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकाल लो तो सिक्स कंबिनेशन वन वन अपॉइंट टू की पावर कितना आ जाएगा वन और वन अपॉइंट टू की पावर कितना आ जाएगा फाइव यहां पर रखेंगे सिक्ससी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्ससी वन की वैल्यू सिक्स इन टू ये आ जाएगा वन अपॉइंट टू इन तू, यहां पर कितना आ वन अप देखो यहां पर बेस बेसेम पावर एड कर दो तो बात तो वही हो जाएगी यहां लिख देंगे वन की पावर सिक्स सेम आ गया अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू यहां पर सिक्स कॉम्बिनेशन टू निकाल लो तो वन अपॉइंट टू रखेंगे यहां पर कितना रखेंगे टू वन अपॉइंट टू और यहां पर रखेंगे हम फोर तो कितना आ जाएगा देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फिफ्टीन क्लियर इतना 15 आ गया और यहां पर कितना आ जाएगा इंटू वन अपॉइंट और इसकी पावर में कितना आ जाएगा ये आराम से लिख देंगे हम कितना आ, देखो यहां पर बेस है पावर ऐड हो रही तो यहां भी सिक्स आ जाएगा अब रही बात पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री तो सिक्स सी थ्री विच इज इक्वल वन अपॉइंट टू की पावर थ्री और वन पॉइंट टू की पावर यहाँ भी थ्री आ जाएगा ठीक है अब देखो ये कितना बन गया ट्वेंटी बन जाएगा ट्वेंटी इन टू ये इसकी वैल्यू लिखी है हमने ट्वेंटी ठीक है और ये आ जाएगा वन पॉइंट टू की पावर में देखो बेस बेसेम है दोबारा से पावर एड कर दो सिक्स आ गया यहां से आप क्या कर सकते हो यहां से देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो मैक्सिमम आया ठीक है यहां कहा गया था मैक्सिमम ठीक है देखो हिंट दी थी आपके पास इज द मैक्सिमम एमउ ऑल तो इसमें जो मैक्सिम है थ्री तक की बात करें तो हमारे पास तीसरा नंबर के मैक्सिम है, है देखो थर्ड नंबर हमारा मैक्सिम है तो यहां लिख देंगे हम ट्वेंटी इन टू वन अपन टू की पार सिक्स इज मैक्सिम और ये आंसर हो जाएगा आपका ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को क्वेश्चन नंबर नाइन को आप ध्यान से समझना वन ओन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ थ्री पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फाइव क्वेश्चन ठीक है आपके पास क्या है कि पांच क्वेश्चन उसके पास हैं ठीक है पांच क्वेश्चन उसके पास हैं और उसमें से हर एक क्वेश्चन में तीन तीन च्वाइस हैं हर एक क्वेश्चन में तीन तीन चॉइसिस हैं तो यहां निकाल दो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट फोर और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग तो वहां निकाल दो प्रोबेबिलिटी किसकी फोर या फोर से ज्यादा उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो बाय गैसिंग उसने गैस किया होगा और उसका आंसर निकाल दिया होगा अब इस चीज को आप ध्यान से समझना रहे इसमें क्या कहा गया है देखो इसको अब यहां पर देखो आपके पास जो एन की वैल्यू है एन वैल्यू आ गई आपके पास ये फाइव ठीक है करते हैं इस क्वेश्चन को देखो एन की वैल्यू तो आ गई आपके पास ये फाइव अब देखो आपको जब एम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू ठीक है एमसीक्यू एम की हम बात करें तो एमसीक्यू में देखो क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास वन है ठीक है तो उसमें क्या है ए ऑप्शन भी होता है बी भी होता है और सी भी होता है ठीक है यहां पर आपके पास सिर्फ तीन ऑप्शन की बात की गई है तो टोटल कितने हैं तीन हैं और इन तीनों में से क्या होगा कि कोई ना कोई एक आंसर जो करेक्ट होगा ठीक है तो पी सक्सेस कितना आ गया पी यानी कि सक्सेस आ जाएगा ये टोटल है थ्री और एक करेक्ट होगा तो वन अपॉइंट थ्री और क्यू की वैल्यू को देखें तो क्यू कितना आ जाएगा वन माइनस वन अपॉइंट थ्री कर देंगे वन माइनस वन अप्री विच इज इक्वल टू टू बाय थ्री आ जाएगा ठीक है इतना लग गया पता अब यहां कहा गया कि या तो उसके क्वेश्चन चार ठीक हुए होंगे या तो चार से ज्यादा उसने जो उसमें तुक्का मारा होगा अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर समझ लो और प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव देखो पांच से ज्यादा तो हो नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ही पांच है तो यहां पर कितना आ जाएगा टोटल क्वेश्चन है फाइव कंबिनेशन फोर आ जाएगा और यहां आ जाएगा वन अंट थ्री इसकी पावर में कितना फोर और वन अंट सॉरी टू अंट थ्री की पावर कितना आ जाएगा टू अंट थ्री की पावर वन और प्लस कर देंगे हम फाइव कम्बिनेशन फाइव यहाँ आ जाएगा वन अपॉन थ्री की पावर फाइव और टू अपॉन थ्री की पार जीरो तो पर तो आ गया आपके पास कितना 5, into, यहां आ जाएगा आपके पास कितना देखो यहाँ पर आ जाएगा टू अपॉन और इसको आप देखो वन अपॉन कितना करेंगे यहाँ पे तीन को अगर हम चार बार मल्टीप्लाई करें या फिर इस तरह से लिख लो इसको यहां पर मैंने फोर कर दिया यहां थ्री की पावर मैंने फोर कर दिया इन टू टू की पार मैंने वन कर दिया और यहां पर थ्री की पार मैंने वन कर दिया ठीक है इस चीज को समझना भी तो यहां पर आप क्या करेंगे प्लस फाइव सी फाइव कितना हो जाएगा आपके पास फाइव सी फाइव तो आ जाएगा वन इन टू यहां पर आ जाएगा वन अफ थ्री को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फोर्टी थ्री आ जाएगा ठीक है और ये आ जाएगा वन अब ये फाइव इन टू यहां पर देखो ये तो बन गया वन की पावर फोर टू की पावर वन यानी कि तो हो गया टू और यहां कितना आ गया थ्री की पावर फोर थ्री की पावर वन ए में पावर एड यानी कि तीन की पावर बन गई पांच तो यहां आ गया टू की पावर थ्री बाय फाइव आएगा तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टू फोर्टी थ्री ठीक है प्लस यहां पर कितना है टेन टेन अपोन टू फोर्टी थ्री देखो टेन अपोन टू फोर्टी थ्री प्लस वन अपोन टू फोर्टी थ्री एलसीएम ले लेंगे एलसीएम कितना आएगा टू फोर्टी थ्री यहां आ गया आपके पास टेन प्लस वन विच इज इक्वल टू इलेवन अपॉन टू फोर्टी थ्री क्वेश्चन खत्म ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन को क्वेश्चन नंबर टेन है अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट इन फिफ्टी लोटरीज इन ईच ऑफ विच विनिंग अ प्राइज इज वन अपॉन हंड्रेड यानी कि उसने 50 लॉटरीज खरीदी और उसमें से जो विनिंग चांसेज थे उसके तो वन अपॉन हंड्रेड है वट इज द प्रोबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एट लीस्ट वंस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसने एटलीस्ट वंस एटलीस्ट वंस में क्या होगा वो जो प्राइस है उसको फिफ्टी लोटरीज जो है वो बार बार उसको निकलती गई होंगी एक बार निकली फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार उसी तरह से वो फिफ्टी टाइम एग्जैक्टली वन या फिर एक बार निकली होगी एटलीस्ट टू ट्वाइस एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या है यहां पर हम क्या करेंगे ट्वाइस का मतलब है कि वन जीरो और वन तो आया नहीं होगा ठीक है ना तो एक बार ए, या तो जीरो होगी प्रोबेबिलिटी या तो एक होगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे लेकिन जो टू के बाद की प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम इसमें ले लेंगे एटलीस्ट ट्वाइस ठीक है तो इस ट्वाइस से आप समझ आना अब जो एन की वैल्यू है एन यहां पर आपके पास कितना है पचास ठीक है और सक्सेस कितना है वन अपॉन हंड्रेड और फेलियर कितना आ जाएगा नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड तो देखो एन कितना है पचास फिफ्टी है सक्सेस कितना है वन अपॉन हंड्रेड है और फेलियर कितना है फेलियर आपके पास 99 नाइन अपोन हंड्रेड कैसे आया 1 माइनस वन अपॉन हंड्रेड करके ठीक है और यहां पर आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया है कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट एट लीस्ट वंस तो एट लीस्ट वंस में क्या होगा वो एक बार जीता होगा दो बार जीता होगा तीन बार जीता होगा उसी तरह से अप टू सो ऑन कब तक पचास तक वो जीत गया होगा ठीक है लेकिन अब यहां पर हम क्या करेंगे इन सब की प्रोबेबिलिटी को मान लेंगे हम वन और माइनस कर देंगे जो नहीं था यानी कि जीरो के बराबर ठीक है प्रोबेबिलिटी किसके बराबर जीरो के बराबर तो यहां वन माइनस कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जीरो टोटल है फिफ्टी कॉम्बिनेशन जीरो आ जाएगा यहां पर आ जाएगा वन अपॉन हंड्रेड की पार में जीरो इंटू वन नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पार कितना फिफ्टी ठीक है तो कितना आ गया वन माइनस यहां से फिफ्टी कॉम्बिनेशन जीरो करेंगे फिफ्टी कॉम्बिनेशन जीरो की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी वन इंटू वन इंटू नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पार फिफ्टी तो ये कितना आ गया आपके पास वन माइनस नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पावर फिफ्टी तो इसको आप इतना छोड़ सकते हो अब सेकंड पार्ट में आ जाओ सेकंड पार्ट में आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली exactly एग्जैक्टली वंस एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या है कि सिर्फ एक बार जीता होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकाल लो ठीक है तो यहां से कितना आ जाएगा ये यहां ले लेंगे हम फिफ्टी कॉम्बिनेशन वन इंटू वन अपोन हंड्रेड की पावर आ जाएगी वन और नाइनटी नाइन अपोन हंड्रेड की पावर कितनी आ जाएगी फोर्टी नाइन ठीक है तो फिफ्टी कॉम्बिनेशन जो वन है वो होगा हमारा फिफ्टी इन टू यहां से आ जाएगा वन अपोन हंड्रेड इंटू नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पावर कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन तो एक जीरो से एक जीरो और यहां से फाइव वन झा फाइव फाइव टू झा टेन कितना आ गया ये यह? आ गया आपके पास वन अपॉन टू इंटू नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पावर फोर्टी नाइन तो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट अब थर्ड पार्ट में आ जाओ तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ट्वाइस अब ट्वाइस का मतलब क्या है देखो जीरो और वन तो इसमें आएगा नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्वाइस का मतलब पी टू आ सकता है पी थ्री आ सकता है पी फोर आ सकता है अप टू सो ऑन पी फिफ्टी तक जाएंगे ठीक है अब यहां पर इन सबको मान लो आपकी वन है इन सबको मान लिया वन और माइनस क्या कर देंगे जीरो और वन की प्रोबेबिलिटी को यानी कि पी जीरो और प्लस पी वन को हम माइनस कर देंगे ठीक है कितना आ जाएगा यहां पे यहां पर हमारे पास आएगा जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो पर कर लो फिफ्टी कम्बिनेशन जीरो वो कितना आया था हमारे पास देखो फिफ्टी कम्बिनेशन जीरो कितना आया था निकाला नहीं था ना तो फिफ्टी कॉम्बिनेशन जीरो कर लो और यहां पर कर लो वन अपॉन हंड्रेड की पावर में जीरो इंटू वन अपन नाइनटी नाइन अपोन हंड्रेड की पावर में फिफ्टी ठीक है प्लस प्रोबेबिलिटी अब यहां पर वन की है तो फिफ्टी कंबिनेशन वन आ जाएगा यहां पर वन अपॉन हंड्रेड की पावर में वन इंटू वन नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पावर में फोर्टी नाइन ठीक है तो वन माइनस कितना आ गया फिफ्टी कम्बिनेशन जीरो करेंगे तो फिफ्टी कम्बिनेशन जीरो आ जाएगा नाइनटी नाइन हंड्रेड की पावर फिफ्टी प्लस फिफ्टी कम्बिनेशन वन करेंगे तो फिफ्टी आएगा इन वन अपन हंड्रेड आएगा इन टू नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड की पावर में फोर्टी नाइन आ जाएगा एक जीरो से एक जीरो फाइव टू जेन ठीक है और यहां कितना आ गया वन माइनस नाइन्टी नाइन अपोन हंड्रेड और इसकी पावर कितनी आ गई फिफ्टी प्लस वन अपोन टू और यहां कितना आ गया इसकी पावर में नाइनटी नाइन अपोन हंड्रेड की पावर फोर्टी नाइन ठीक है अब यहां से क्या करो फोर्टी नाइन ये जो नाइनटी नाइन अपोन जो आपको दिख रहा है ठीक है वन माइनस नाइनटी नाइन अपोन हंड्रेड की पावर फोर्टी नाइन को तो ले लो आप कॉमन ठीक है इसको ले लिया मैंने कॉमन तो अंदर कितना रहेगा यहां से एक रह जाएगा नाइनटी नाइन अपोन हंड्रेड प्लस वन अपोन टू रह जाएगा ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना रहेगा? देखो वन माइनस नाइनटी नाइन अपोन और इसकी पावर कितनी फोर्टी ब्रैकेट लगाओ यहां एलसीएम लेंगे ठीक है एलसीएम तो हमारे पास कितना आ जाएगा हंड्रेड ही आ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी नाइनटी नाइन और ये बन जाएगा कितना हमारे पास ट्वेंटी तो ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें कितना मिल जाएगा वन फोर्टी नाइन आ जाएगा ठीक है वन फोर्टी नाइन आ जाएगा देखो इसका एलसीएम लिया होगा हमने ठीक है इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम बन जाएगा हमारे पास देखो यहां पे मैं साइड में कर रहा हूं एलसीएम तो आ जाएगा हमारे पास हंड्रेड ठीक है ऊपर आ जाएगा नाइनटी और यहाँ आ जाएगा प्लस फिफ्टी तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वन फोर्टी नाइन अपॉन हंड्रेड और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ठीक है तो कितना आ गया वन माइनस नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड कि पार फोर्टी नाइन इंटू वन फोर्टी नाइन अपॉन हंड्रेड क्वेश्चन नंबर टेन हमारा कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन को इलेवन क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव एग्जैक्टली ट्वाइस इन सेवन थ्रोज ऑफ अ डाई देखो यहां पर हमें क्या फाइंड करना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव इसके बाद यहां कोमा लगा लेना ठीक है उसके बाद समझना क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली ट्वाइस इन सेवन थ्रोज ऑफ अ डाई अब जब हम डाई को फेंकते हैं कितने आउटकम्स आते हैं वन से लेकर के सिक्स तक ठीक है तो टोटल कितने हो जाएंगे यहां पर देखो टोटल ले लेंगे हम सिक्स एन की वैल्यू ले लेंगे सिक्स को यहां पर क्वेश्चन जो है बड़ा घुमा के पूछा गया है तो एन आ जाएगा आपके पास कितना देखो एन की वैल्यू तो आ गई सिक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ जाएगा हमें पता है कि वन अपॉन सिक्स आएगा ठीक है और क्यू कितना आ जाएगा फेलियर कितना आ जाएगा देखो फेलियर आ जाएगा फाइव बाय क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है एग्जेक्टली ट्वाइस इन सेवन थ्रो अ डाई अ डाई का निकालना है है ठीक अब समझो यहां पे कितना है ये क्यू की वैल्यू आ गई अब सेवन थ्रो है ठीक है कितने थ्रो है थ्रो थ्रो तो का मतलब क्या लेंगे हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी एग्जैक्टली एग्जेक्टली ट्वाइस इन सेवन थ्रो ठीक है एग्जेक्टली ट्वाइस इन सेवन थ्रो तो इसका मतलब क्या सेवन कॉम्बिनेशन टू है ठीक है इसका मतलब क्या है सेवन कंबिनेशन टू यहां आ जाएगा की पावर में आ जाएगा आपके पास टू और फाइव अपॉन सिक्स की पावर में आ जाएगा 5. अब 7 combination 2 करेंगे तो 7 combination 2 हमारे पास बनता ट्वेंटी वन ठीक है 21, इन टू यहां पर आ जाएगा वन अपॉन थर्टी सिक्स है तो थर्टी सिक्स बन जाएगा ठीक है सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स और यहां पर आ जाएगा इन टू फाइव अपॉन सिक्स की पावर लिख दो आप फाइव इतना क्लियर है अब यहां देखो आप ये कैंसल आउट हो जाएगा कैसे थ्री सेवन ट्वेंटी वन और ये आ गया ट्वेल्व ये बन गया, 12, और यहां बन गया की पार फाइव ठीक है अब देखो फाइव को अगर हम पांच बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा सेवन अपॉइंट ट्वेल्व सिक्स ट्वेंटी फाइव और यहां पर सिक्स को हम फाइव टाइम मल्टीप्लाई करें तो वन टू नाइन सिक्स आ जाएगा ठीक है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री वन टू फाइव आएगा और डिवाइड में आ जाएगा टू थ्री थ्री टू एट ठीक है आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो या इससे आगे आप करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है यह था क्वेश्चन नंबर इलेवन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन ट्वेल्व में कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट टू सिक्स इन सिक्स थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई यहां पर टू सिक्स एट मोस्ट टू सिक्स की बात की गई है और एन की वैल्यू आपके, uh, आपके पास आ जाएगी सिक्स सक्सेस आ जाएंगे आपके पास वन अफ सिक्स और फेलियर कितने आ जाएंगे फाइव पॉइंट सिक्स तो देखो एन तो हमें पता लग गया कि फाइव है सॉरी सिक्स है P हमें पता लग गया कि वन अपॉन सिक्स है तो Q भी निकाल लेंगे वन माइनस वन अपॉन सिक्स करेंगे तो फाइव अपॉइंट सिक्स आएगा ठीक है ये चीज आपको समझ आ गई मैं यहां पे लिख देता हूं वन माइनस वन अपॉइंट सिक्स किया तो कितना आया फाइव अपॉइन्ट सिक्स आ गया अब यहां निकालना है हमने प्रोबेबिलिटी किसकी एट मोस्ट एट मोस्ट टू सिक्स ठीक है टू सिक्स इसकी निकालनी है तो टू सिक्स एट मोस्ट एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ या तो एक बार भी नहीं आया होगा या तो एक बार आया होगा या तो दो बार आया होगा ठीक है यहां से चलो तो सिक्स हमारे पास टोटल है सिक्स कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स की पार जीरो सिक्स सॉरी फाइव ओ पॉइंट सिक्स की पार फाइव हो जाएगा सिक्स uh, हो जाएगा ठीक है प्लस यहां पर कितना आएगा सिक्स वन आएगा और यहां पर वन अपॉइंट सिक्स की पावर वन हो जाएगा फाइव ओपॉइंट सिक्स की पावर फाइव हो जाएगा प्लस सिक्स सी टू रखेंगे तो वन अपॉन सिक्स की पावर में टू आ जाएगा और फाइव अपॉन सिक्स की पावर में फोर आ जाएगा ठीक है तो यहां से ये तो आ गया आपके पास सिक्स वन इन टू यहां पर वन इन टू फाइव की पावर सिक्स है तो यहां पर मैं अभी एज इट इज फाइव की पावर सिक्स लिखूंगा और अपॉन सिक्स ठीक है टोटल यानी कि फाइव ओपॉइंट सिक्स होल पावर सिक्स प्लस यहां पर ये सिक्स कॉम्बिनेशन वन बन जाएगा आपके पास सिक्स इन टू यहां से वन अपॉइंट सिक्स इन टू फाइव सिक्स की पावर फाइव प्लस सिक्स कम्बिनेशन टू आ जाएगा आपके पास फिफ्टीन यहां आ जाएगा वन सिक्स यहां आ जाएगा आपके आ, पास आएगा ठीक है तो इसको एज इट इज रख दो और की पावर को फोर लिख दो अब देखो ये जो आपके पास सिक्स है ये तो कैंसिल आउट हो गया यहां से यहां से कितना रहा फाइव पॉइंट सिक्स की पावर कितना आ गया फोर सिक्स ठीक है प्लस यहां पर बचा आपके पास फाइव पॉइंट सिक्स की पावर फाइव प्लस यहां पर रह गया फिफ्टीन इंटू वन अपॉइंट सिक्स की पावर टू और फाइव सिक्स की पावर फोर ठीक है इतना? उसके बाद क्या करो यहां से देखो फाइव ओपॉइट सिक्स यहां परमन फाइव ओ पॉइंट सिक्स ले लिया हमने कॉमन और इसकी पावर ले लो आप फोर ठीक है और अंदर कितना आ जाएगा देखो अंदर आ जाएगा आपके पास यहां से कितना बचा यहां से आपके पास सिर्फ एक बचा है और यहां से कितने बच गए फाइव ओ सिक्स के दो रह गए क्योंकि यहां पर फोर है ना तो दो बच गए तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉइंट थर्टी सिक्स प्लस ये कितना है फाइव यहां से एक रहा है तो फाइव अपॉइंट सिक्स ही आएगा ठीक है और प्लस यहां पर कितना है फिफ्टीन और देखो फिफ्टीन तो है लेकिन यहां से आप चेक करो तो ये वन अपॉइंट सिक्स भी रह गया ठीक है वन अपॉइंट सिक्स रह गया तो इसका मतलब क्या है अपॉन में कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स क्लियर इतना इतनी बात क्लियर है ठीक है क्योंकि फाइव अपॉइंट सिक्स की पावर फोर हमने के निकाल दी कॉमन ठीक है अब देखो यहां पर इसका एलसीएम कर लेंगे तो फाइव ऑफ सिक्स की पावर लिख दो फोर और एलसीएम हमारे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एलसीएम आ गया तो यहां आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ये बन जाएगा थर्टी सिक्स फाइव दर्टी प्लस थर्टी सिक्स सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया फाइव ऑपॉइंट सिक्स तो एज इट इज है ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना सेवनटी और अपॉन में थर्टी सिक्स ठीक है जी अब आप चाहो तो इसको कैंसल आउट कर सकते हो तो कैसे करेंगे यहां आ जाएगा आपके पास कितना थर्टी फाइव uh, और यह आ जाएगा आपके पास एटीन टू के टेबल से तो आंसर कितना आ गया आपके पास थर्टी फाइव यानी कि फाइव अपॉन सिक्स की पावर फोर और थर्टी फाइव अपॉन एटीन आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंप्लीट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन को क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इट इज नोन दैट टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ सर्टेन टेन आर्टिकल मैन्युफेक्चर आर डिफेक्टिव यानी कि दस परसेंट जो आर्टिकल बनाए गए वो क्या है खराब होंगे वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रेंडम सैंपल ऑफ ट्वेल्व सच आर्टिकल्स नाइन आर डिफेक्टिव यानी कि बारह में से ये आपके पास n आ गया 12 में से 9 जो है डिफेक्टिव है यहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर आपके पास डायरेक्ट दे दिया है कि 12 कॉम्बिनेशन 9 होगा देखो n की वैल्यू तो आपको लग गई पता कि n है ट्वेल्व ठीक है पी निकाल लो प्रो सक्सेस कितना होगा टेन परसेंट आप रखा है आपके पास तो टेन परसेंट मैंने यहां लिख दिया और इसको हम लिख सकते हैं टेन अपॉन में हंड्रेड यानी कि आ गया आपके पास वन अपॉन टेन और क्यू कितना आ जाएगा यहां से वन माइनस वन अपॉइंट टेन विच इज इक्वल टू नाइन अपॉइंट टेन अब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपने निकालनी किसकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू नाइन ठीक है यही डिफेक्टिव पीस की बात की गई है तो ये कितना बन जाएगा देखो ये बन जाएगा ट्वेल्व आपके पास टोटल है कम्बिनेशन नाइन यहां आ जाएगा आपके पास वन अपॉन टेन की पावर नाइन और यहां आ जाएगा आपके पास नाइन अपॉन टेन की पावर थ्री सोल्व करेंगे इसको तो ट्वेल्व कंबिनेशन नाइन हमारे पास कैसे निकलेगा देखो ट्वेल्व फैक्टोरियल डिवाइड में कितना आएगा देखो डिवाइड में नाइन फैक्टोरियल और क्या करते हैं ट्वेल्व माइनस नाइन करते हैं तो थ्री फैक्टोरियल आएगा ठीक है इसी तरह से सारे फैक्टोरियल निकलते हैं क्योंकि चैप्टर जब आपने 8 किया 8 किया था क्लास हम परमोटेशन uh, कंबिनेशन में आपने इलेवंथ क्लास में किया था सेवन चैप्टर ठीक है तो उसमें ये चीजें आपने सीखी थी यहां पर कितना आ जाएगा वन अपन टेन और इसकी पावर लिख दो आप नाइन ठीक है और यहां क्या करो अलग अलग इसको बांट दो यानी कि नाइन की पावर थ्री कर दो और टेन की पावर थ्री कर दो अब देखना कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना यहां से कितना आ गया आपके पास ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन फैक्टोरियल डिवाइड में नाइन फैक्टोरियल इंटू थ्री इंटू into 1 तो 9 से ये 9 यहां से देखो 3 3 3 3 4 12 और ये 2 2 4 हो जाएगा अच्छा यहां पर आ जाओ 1 10 की पावर 9 लिख दो 1 10 की पावर 9 और यहां के लिख देंगे 9 9 uh, की पावर 3 और डिवाइड में 10 की पावर 3 ठीक है अब देखो यहां से ये जो 10 है ये वाला 10 मैंने इसके साथ काट दिया यहां कितना रह गया 8 ठीक है तो ये आ गया आप, आपके पास अब यहां से ट्वेंटी टू और इंटू ट्वेंटी टू इंटू कितना रहा देखो ट्वेंटी टू इंटू नाइन की पावर थ्री और डिवाइड में कितना जाएगा टेन की पावर एट है यहां पर थ्री है तो टेन की पावर कितना आ जाएगा दोनों को एड कर देंगे बेस सेम है पावर एड हो जाएगी तो इलेवन आ जाएगा ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंप्लीट तो हमारा ट्वेल्व सॉरी थर्टीन चैप्टर जो कंप्लीट होता है ठीक है तो जिसको अगर पूरा सिलेबस चाहिए होगा प्लीज वो कॉन्टेक्ट करके हमसे ले सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा नाइन एट वन सिक्स सेवन वन एट जीरो सेवन सिक्स उसे फुल सिलेबस मिल जाएगा ठीक है तो ये था हमारा थर्टीन चैप्टर तो अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच